बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जी? वापस आ चुके हैं जी अपने व्लॉग के पार्ट टू के साथ। और देखें जी, सुबह हो चुकी है, बहुत ठंडा मौसम है। यकीन माने कि इतनी ठंड है यहाँ पे, ऐसे लगता है जैसे दिसंबर की ठंड होती है। और वो धुएँ वाली सर्दी जो होती है, मुँह से भाप निकल रही होती है, वो वाली सर्दी है। और मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी फुल ठंडी हवा चल रही है। और ये साथ ही देख सकते हैं आप, सूरज निकल रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पे, बहुत अच्छा हमें ना जो एक फीलिंग आई है वो है। तो इंशाल्लाह आगे आपको लेके चलेंगे जी वो खेतों की तरफ, उनके जो उनके वो हैं खरबूजे वगैरह, उनके खेत हैं, वो आपको इंशाल्लाह आगे दिखाएंगे। और रास्ते में हम लोग वापस भी अपने घर की तरफ भी जाएंगे, रास्ते में ही वो आएंगे, उनके खेत वगैरह भी सब, तो आपको सारा विज़िट करवाएंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ ही रहना आपने। गाइस, तो ये हम आपको लेकर आ गए हैं जी जहाँ पे इन्होंने अपना वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, गाय भैंसे वगैरह रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से अब स्केप करेंगे और चलेंगे अब बगोल अगली जगह, कहाँ जाना है ठीक है, खेतों में जाना है या जिधर भी जाना है, इंशाल्लाह आपको साथ साथ ही रखेंगे। बारिश हुई है, देख सकते हैं क्या हाल हो गया है, बहुत सख्त बारिश थी रात को, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं आपसे। चलें जी गाइस, अब चलते हैं खेतों की तरफ और रास्ते में आपको सब चीज़ें दिखाते जाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गांव है ये सारी फसल जो है वो मकई की फसल है, जो सिट्टे होते हैं, बुट्टे होते हैं, उसकी फसल है ये सारी। और रात बारिश थी और यकीन माने बहुत ज़ोर शोर से बारिश थी, और बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ये मौसम जो है वो है गंदम का, और बारिश जो है वो गंदम को बिल्कुल ख़राब कर देती है। आप ये देखें कितनी ज़्यादा गंदम ख़राब होगी लोगों की। अभी जी मेरे बड़े भाई हैं जो वो रास्ता पूछ रहे हैं इनसे, साफ केड़ा रोड है? साफ रोड तो ये है, अभी एक कुछी दी से भाग जो सैयद वाले मोटरवे लगो से दे लो। नहीं नहीं, वो लंबा हो जाना है। अच्छा वो रेन की रहना है तू चुप नहीं, वो ते भी दो तीन किलो तार तार गांव में हैं हम लोग, कब्बे हो जाइए है टावर दे तू आगे ही ते चढ़ाई जी हो गई जी बाड़ी जी 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 वो एक सीधी जांदी रह दी खब्बे नु खब्बे नु खब्बे नु बड़ी मेहरबानी। ये सब्जियों में आप देख सकते हैं जी, सब्जियों में आज दे चुके हैं हम लोग। ये देखें जी खरबूजा, खरबूजा देखो, देखें जी तो हमारे अपने भी हैं, हरी मिर्च है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा सब्जी, बहुत ज़्यादा मकदार में सब्जी है इधर। और ये मकई लगी हुई है, मकई सिट्टा जिसको कहते हैं, अब ये लगी नहीं है, देखें तो। गाइज आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा है, गांव कैसा लगा है। अगर इस तरह की और वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। जा रहे हैं तो ये रात को आपको सीन दिखाने थे सारे, जो नहीं दिखा सके
झोपड़ियाँ हैं जी, इधर लोग रहते हैं, कच्चे मकान हैं यहाँ पे, सारे देख सकते हैं आप लोग, ये देखें टोटली कच्चे मकान है, होली गांव वाला सीन है, आप देख सकते हैं बहुत आला, देखें जी वो, देखें जी एक बंदा जा रहा है खेतों में गधे के ऊपर बैठ के, बहुत अच्छी लाइफ है यार इन लोगों की, ये टोटली खरबूजे के खेत हैं सारे। देखें जी ये सारे खरबूजे के खेत हैं आप देख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़े थोड़े कच्चे भी हैं, पक्के भी हैं बीच में कोई कोई, और आगे वो देख सकते हैं ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल लगा हुआ है खेतों में पानी शानी डालने के लिए, देखें जी ये ट्यूबवेल है, बहुत ही गहरा बना हुआ है, ये देखें बीच में आप, बहुत गहरा बना हुआ है देखें आप, और यहाँ पे बैठते हैं जी, इनकी रखवाली करते हैं अपने खेतों की लोग बैठ के इधर, और साथ ये पानी देते हैं, और ये साथ मैंने आपको जैसे पहले दिखाया था कि ये यहाँ पे मकई के बहुत ज़्यादा खेत हैं, मकई जिसको हम भुट्टे कहते हैं सिट्टे कहते हैं, बहुत ही सुकून है इधर, बहुत ज़्यादा सुकून है आपको क्या बताऊं, देखें ये रास्ते में उतर उतर के आपको दिखा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, सिर्फ नेचर आपको देखें, असल में यही नेचर है, बहुत सुकून आता है इधर आके हमें, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, गाइस हम इसको पंजाबी में टटीरी कहते हैं, लेकिन इसको उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ये है जी खरबूजा जो पका हुआ है, सही पका हुआ खरबूजा है जो, तो देखें आप कितना माशाल्लाह प्यारा है और फुल पका हुआ खरबूजा है, आप देखें इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ लेते हैं जी, तोड़ लिया अब चलते हैं इसको लेके, लेकर आ गए हैं जी अब इसको काटेंगे, ये देखें जी आपके सामने काट रहा हूँ इसको, और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, देखें जी गाइस देखें अभी तोड़ा अभी काटा और अभी खाना है, देखें बहुत है मजे का, चलो आप बताएं कैसा है, अच्छा मुझे ट्राई कोई एक दो बना सकने ऐसी वीडियो भी नाल एक दो दस दो कोई पक्के ने ते के जो होंदे ने पक्के नहीं है ना आज तक कच्चे ने माड़े मोटे पक्के ने जो एक अद्धा दाना पक्के है क्रेडिट जाता है ये अंकल को हमारे, ये बहुत अच्छे इनको मिलके बहुत अच्छा लगा जी, ये बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके अंकल जी, और ये वीडियो को आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल अब खत्म होने वाला हमारा व्लॉग, कल से हमने स्टार्ट किया था और आप
खत्म होने वाला, बिल्कुल हम लोग लाहौर पहुंचने वाले हैं। कल शाम से हमने स्टार्ट किया था और आज सुबह हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आएंगे इधर। यूट्यूब पे चैनल है, हम उस पे जो है हम थोड़ी वीडियो नेट से होगी 0341 जी। हाँ जी जी 41 18258 इनका नंबर है, सा नंबर है इनका। और अभी आपको कभी भी आना हो, ये क्या कहते हैं पत्तों की रोड है, पत्तों की रोड पे इनका फार्म है, अब जब भी आए ठीक है। इनका सीजन जो है वो कैरेट का भी होता है और ये खरबूजा भी ये लगाते हैं, वाटरमेलन। और इनका ये जो है ना क्या कहते हैं फार्म है, आप लोगों को क्वांटिटी में चाहिए, बल्क में चाहिए, आपको मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा आपको, सेल करने के लिए मिलेगा। खाली 1-2 किलो के लिए मत कोई कॉल करे, इनसे रब्ता करे ठीक है, ये आपको बल्क में देंगे माल। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग। चले ये हमारी लेडीज ने जो लिया है जी, ये देखें, ये दिखाएं आप, ये बहुत क्यूट है, छोटे छोटे, बहुत शुक्रिया अंकल जी, जजाक अल्लाह। खरबूजे हैं ये देखें। नंबर ले लिया, नंबर ले लिया, वीडियो में आ गया नंबर उनका। मेला लगा हुआ इधर देखें। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।